हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उसके चौथे एवं अंतिम भाग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजन क्या होता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से ता था, सी ती थी, से ते थे। दोस्तों, से रहा था, से रही थी, से रहे थे आप आमतौर पर स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें एक विरोधाभास जताते हैं जानकार कि से ता था, से ती थी, से ते थे इसका पहचान नहीं हो सकता। लेकिन इसका पहचान कैसे हो सकता है, इसको मैं आगे आपको स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले देख लीजिए इसका रूल क्या होता है। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, सब्जेक्ट और हैड तो उसमें भी आप लोगों ने देखा था, किसमें? पास परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको अलग से बीन लगाना पड़ता है और साथ ही वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है। वर्ब आईएनजी का मतलब क्या हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी फॉर्म। होता क्या है कि आईएनजी कभी भी वर्ब के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लग सकता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ही साथ लगता है। इसलिए हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं, हम वर्ब आईएनजी लिख दिए, इसका मतलब हुआ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। साथ में क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। सिंस और फॉर, यह सिंस और फॉर कालखंड को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई कार्य हमने कब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, सुबह किया था, शाम को किया था, किसी समय में किया था, निश्चित या अनिश्चित, जिस भी भाषा में आप इसको समझिए। वैसे मैं निश्चित और अनिश्चित पर विश्वास नहीं करता, मैं आपको सिंस और फॉर का सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि सिंस और फॉर किसके किसके साथ लगते हैं। वैसे दोस्तों, सिंस और फॉर को अगर आपको समझना हो तो आप हमारे कैन स्ट्रीम के एक प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसका नाम है ग्रामर, और ग्रामर नाम के प्लेलिस्ट में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया हुआ है। उस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जा करके सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि सिंस और फॉर किसके किसके साथ लगता है। फिलहाल शॉर्टकट में आपको बताने के लिए उसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहां पे दे दिया है कि आपको कैसे समझना है सिंस और फॉर को। फॉर लगेगा सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, जैसे 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 घंटा, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीने, 2 साल, 2 सेंचुरीज मतलब शताब्दी। और सिंस किसके साथ लगेगा? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट मतलब सुबह, शाम, दोपहर, रात जैसे शब्द अगर आएंगे आपके वाक्य में तो आप सिंस के इस्तेमाल करेंगे। कोई समय, बजे मतलब 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अगर ऐसा आए तो आप उसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेम ऑफ डेज, मंथ्स या फिर ईयर्स मतलब दिनों के नाम अगर आए जैसे सोमवार, मंगलवार, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, और साल के नाम मतलब वर्षों के नाम जैसे 2019, 2020, 2021 ऐसा अगर आपके वाक्य में आता है तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको सिंस फॉर को समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में ग्रामर में जा सकते हैं, वहां पे जाके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप देखिए, उसमें आपका सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं यहां पे लेता हूं आपका एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है? वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था, से जा रहा था, से रहा था। देखिए, यह पहचान मैच कर लिया। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? वह 2 दिनों से स्कूल जाता था। देखिए दोस्तों, जा रहा था या फिर जाता था, ये दोनों एक प्रकार से इसलिए हो सकते हैं क्योंकि दोनों कंटिन्यू थे। देखिए, होता क्या है, वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था मतलब जा रहा था, आप उसके बारे में बता रहे हैं कि वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था। अब जाता था में भी आप देख लीजिए कि वह 2 दिनों से स्कूल जाता था, पता नहीं क्यों नहीं गया आज, लेकिन वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था या फिर वह 2 दिनों से स्कूल जाता था, तो दोनों एक जैसा लगा कि नहीं लगा। इसलिए आप से जा रहा था भी इस्तेमाल कर सकते हैं, से जाता था भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको इससे आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में जा सकता है क्योंकि ता था, ती थी, ते थे पास्ट सिंपल का पहचान है। इसलिए दोस्तों, से पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं रूल के हिसाब से। तो रूल ने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट है इसमें वह के हम लिखते हैं ही, तो हमने ही लिख दिया। रूल ने कहा हैड लगाओ, तो हमने हैड लगा दिया। रूल ने कहा बिन लगाओ, तो हमने बिन लगा दिया। रूल ने कहा वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, तो इसमें क्या क्रिया हो रही है? जाने की, तो जाने को बोलते हैं गो, साथ में हमने आईएनजी लगा दिया, ये हो गया गोइंग। कहां जाता था? तो स्कूल जाता था, तो टू स्कूल। अब कब से? तो 2 दिनों से, 2 दिनों। तो मैंने क्या कहा था, गिनती में मैंने आपको बताया था कि 2 दिनों से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से। इसमें दिनों का नाम है क्या? सोमवार, मंगलवार नहीं है, इसमें खाली ये बोला गया कि 2 दिनों से, तो हम दिनों से और उसके सामने अंक आया है 2, तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे फॉर 2 डेज मतलब ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था या फिर वह 2 दिनों से स्कूल जाता था। एग्जांपल नंबर 2 को देखिए, मैं सुबह से पूजा कर रहा था या फिर मैं सुबह से पूजा करता था। इसमें
में भी हम हैबिचुअल एक्शन को दर्शाते हैं लगभग, जैसे कि मैं सुबह से पूजा कर रहा था और मैं सुबह से पूजा करता था, दोनों एक जैसा लगा कि नहीं लगा बोलने में, तो इसलिए इसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल का ही इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं तो मैं के लिए लिख दिया हमने आई, हैड है तो हमने हैड लगा दिया, बीन है तो हमने बीन लगा दिया, क्या क्रिया हो रही है पूजा करने की, तो पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप, साथ में हमको आईएनजी लगाना है तो हमने लगा दिया, तो ये बन गया वर्शिपिंग। अब कब से पूजा कर रहे थे, तो सुबह से, तो सुबह को देखिए बोलते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ लगता है सिंस, तो हमने लगा दिया सिंस, और ये सुबह के लिए हमने लगा दिया मॉर्निंग, तो सेंटेंस क्या बना, आई हैड बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 को, हम 5 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे थे या फिर हम 5 वर्षों से अंग्रेजी सीखते थे, इससे पे आपको फोकस करना है। तो इसमें सब्जेक्ट है हम, तो हम के लिए लिखेंगे वी, हैड है तो हमने हैड लगा दिया, बीन है तो हमने बीन लगा दिया, वर्ब आईएनजी, तो इसमें क्या क्रिया हो रही है सीखने की, तो सीखने को बोलते लर्न, लर्न के साथ हमको लगाना है आईएनजी, ये हो गया लर्निंग। अब क्या सीख रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अंग्रेजी, अंग्रेजी को बोलेंगे इंग्लिश। अब कब से सीख रहे थे, 5 वर्षों से, तो जैसे मैं आपको बताया था 2 वर्षों से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 दिनों से, तो दोस्तों यहां पे अंकों के साथ वर्ष आया है, कोई वर्ष का नाम नहीं आया है, जैसे 1991, 92, 93, 2000 ऐसा नहीं, इसमें आया है 5 वर्षों से, तो उसके लिए हमने लगा दिया फॉर और साथ में लगा दिया 5 इयर्स, तो सेंटेंस बना वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 इयर्स। दोस्तों इसका हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 अफर्मेटिव हम पढ़ते हैं, तो अफर्मेटिव का कार्य तो पूरा हो चुका है, अब इसको हम रूल नंबर 2 नेगेटिव में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो अफर्मेटिव को हम मिटा देंगे और रूल नंबर 1 को भी हम मिटा देंगे, रूल नंबर 1 के जगह पे हम लिख देंगे 2 और यहां पे हम लोग लिख देंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव जैसे ही हमने लिखा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, केवल हेड के साथ हमको नॉट लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो हेड के साथ हम लगा देते हैं नॉट, तो ये हो गया हैडेंट। अब रूल क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैडेंट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। अब दोस्तों इसको हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को, क्योंकि ये तो नहीं बदलेगा नोट, तो ये सेंटेंस कैसे बदलेगा, वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था, इसको हम नहीं लगा देते हैं, वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था या फिर नहीं जाता था, तो ये हो गया रूल नंबर 2 नेगेटिव का वाक्य। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ देंगे, तो चलिए हम जोड़ देते हैं नॉट, तो ये हो गया नॉट। अब क्या बन गया, ही हैडेंट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, बन गया सेंटेंस। इसमें कोई ज्यादा कठिनाई है क्या, कोई कठिनाई नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, मैं सुबह से पूजा कर रहा था या फिर मैं सुबह से पूजा करता था, तो दोस्तों इसमें हम नहीं लगा देते हैं, मैं सुबह से पूजा नहीं कर रहा था, तो ये हो गया नेगेटिव का वाक्य। अब इसमें हम हेड के साथ नॉट लगा देंगे, चलिए लगा देते हैं, ये हेड के साथ हमने नॉट लगा दिया, चूंकि हमको सिर्फ चेंज क्या करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है और ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में अपने आप आ जाएगा। हिंदी के वाक्यों में नहीं जोड़ देना है और इंग्लिश के वाक्यों में हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको नॉट जोड़ देना है, तो हमने जोड़ दिया नॉट, ये हो गया हैडेंट। तो आई हैडेंट बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। एग्जांपल नंबर 3 को देखिए, हम 5 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे थे या फिर सीखते थे, इसको हम नेगेटिव बना देखते हैं, तो हम 5 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, हमने यहां पे जोड़ दिया नहीं, अब यह सेंटेंस क्या बना, हम 5 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, यह नेगेटिव का वाक्य बन गया। अब इसमें हम हैड के साथ नॉट जोड़ देते हैं, अब ये हो गया हैडेंट, तो सेंटेंस क्या बना, वी हैडेंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 इयर्स। इस तरह से हमने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव के वाक्यों को। दोस्तों पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव का रूल होता है, क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर। दोस्तों इसमें हमने क्या किया, हम सब्जेक्ट को अंदर लेके चले गए और हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया और ये बन गया इंट्रोगेटिव का रूल। अब नोट तो नहीं बदलेगा, नोट तो जैसा का तैसा रहेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 को, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, क्या तुम जुलाई से कोचिंग क्लास जा रहे थे, से रहे थे या फिर क्या तुम जुलाई से कोचिंग क्लास जाते थे, दोनों एक जैसा है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इसमें हम लोग यस नो में आंसर दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं, हाँ मैं कोचिंग क्लास जा रहा था या फिर नहीं जा रहा था, तो इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड की जरूरत है क्या, नहीं है, तो हम सीधा कहां से शुरुआत करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हमने लगा दिया हैड, सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, तो तुम के लिए हमने यू लगा दिया, अब बीन लगाना है तो हमने बीन लगा दिया, क्या क्रिया हो रही है जाने की, तो जाने को बोलते हैं गो और गो के साथ आईएनजी, तो यह हो गया गोइंग, कहां जाने की बात हो रही है, तो कोचिंग क्लास जाने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट हमारा कोचिंग क्लास
क्लास हुआ तो हमने लिख दिया टू कोचिंग क्लास। अब कब से, तो जुलाई से। जुलाई क्या है, एक महीने का नाम है, और महीने के साथ हम लोग क्या लगाते हैं नाम के साथ, सिंस। तो हमने यहां पे लगा दिया सिंस और यहां पे जुलाई। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना, हैड यू बीन गोइंग टू कोचिंग क्लास सिंस जुलाई। अब एग्जाम्पल नंबर टू को देखिए, वे 2015 से रायपुर में क्यों रह रहे थे, या फिर वे 2015 से रायपुर में क्यों रहते थे, दोनों एक जैसा है। अब दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हम लोग करें, इससे पहले यस नो देख लेते हैं। तो यस नो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्यों आया है तो हमको लेना ही पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड। हमने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड वाई, किसके लिए, क्यों के लिए। अब हमने हेल्पिंग वर्ब लिया हैड, तो हमने हैड लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, तो वे को बोलते हैं, दे तो हमने दे लगा दिया। रूल ने कहा बिन लगाओ, तो हमने बिन लगा दिया। फिर रूल ने कहा वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, तो इसमें क्या क्रिया हो रही है, रहने की, तो रहने को बोलते हैं लिव। लिव के साथ हमने आईएनजी लगाया, ये क्या बन गया, लिविंग। अब कहां रहने की बात हो रही है, तो रायपुर में, तो में के लिए इन, और रायपुर का रायपुर। कब से, तो 2015 से। 2015 क्या है, एक वर्ष का नाम है, तो वर्षों के नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस। तो हमने लगा दिया सिंस। अब 2015 आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है शुरुआत में, और क्वेश्चन मार्क लगाना है सेंटेंस के लास्ट में। तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क दोनों पे आपको स्पेशल फोकस बना के रखना पड़ेगा, इंट्रागेटिव या फिर इंट्रागेटिव नेगेटिव के वाक्य बनाते वक्त। सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना, वाई हैड दे बीन लिविंग इन रायपुर सिंस 2015 या फिर 2015। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर थ्री को देखिए, आप 2 घंटे से तालाब में क्यों तैर रहे थे, या फिर क्यों तैरते थे। तो आप बोलेंगे क्यों तैर रहे थे, या फिर क्यों तैरते थे, दोनों एक जैसा हुआ। अब देखिए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए हमने सबसे लिए पहले लिया वाई। अब हमको लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया। सब्जेक्ट के रूप में हमको लेना है आप, तो आपको बोलते हैं यू, तो हमने यू लिख दिया। अब हमको बीन लेना है, तो हमने बीन ले लिया। क्रिया क्या हो रही है, तो तैरने की, तो तैरने को बोलते हैं स्विम, साथ में हमको आईएनजी लगाना है, यह हो गया स्विमिंग। अब कहां पे, तो तालाब में, तो इन द पॉन्ड। अब कब से, तो 2 घंटे से, मैंने कहा था 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, अगर ऐसा आए तो हमको फॉर लगाना है, तो हमने यहां पे फॉर लगा दिया, साथ में लिख दिया 2 आवर्स, क्योंकि यहां पे लिखा है 2 घंटे से। इस तरह से हमने रूल नंबर 3 इंट्रागेटिव के वाक्यों को कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं इसी को हम रूल नंबर 4 इंट्रागेटिव नेगेटिव में कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस 3 को हटा के हम लोग 4 लिख देंगे, क्योंकि हम रूल नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, और इंट्रागेटिव के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, नेगेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव। अब हमको करना क्या है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हमको नॉट लगा देना है, क्योंकि सेंटेंस तो पहले से इंट्रागेटिव था, अब इसको सिर्फ हमको नेगेटिव बनाना है, इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए खाली हमको नॉट जोड़ना रहता है, तो इस हेड में हम लोग जोड़ देते हैं नॉट, तो ये हो गया हैडेंट। अब दोस्तों रूल क्या बना, क्वेश्चन वर्ड हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। इस सेंटेंस को देखिए, क्या तुम जुलाई से कोचिंग क्लास जा रहे थे या फिर जाते थे, इसको हम कह सकते हैं क्या तुम जुलाई से कोचिंग क्लास नहीं जा रहे थे। तो नहीं जा रहे थे, अब ये इंट्रागेटिव नेगेटिव बन गया। अब हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि आपको अनुभव है पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा था, और इस वीडियो लेक्चर में भी आप देख लीजिए कि हैड के साथ हमको नॉट लगाना है बस, तो हमने इसको कर दिया हैडेंट। अब सेंटेंस क्या बना, हैडेंट यू बीन गोइंग टू कोचिंग क्लास सिंस जुलाई। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, वे 2015 से रायपुर में क्यों रह रहे थे या फिर रहते थे। अब हम इसमें नहीं जोड़ देंगे, तो वे 2015 से रायपुर में क्यों नहीं रह रहे थे, या फिर वे 2015 से रायपुर में क्यों नहीं रहते थे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करते वक्त हैड में नॉट जोड़ देंगे, तो ये हमने जोड़ दिया हैड में नॉट। तो सेंटेंस क्या बना, वाई हैडेंट दे बीन लिविंग इन रायपुर सिंस 2015। सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया बड़ी आसानी से। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, आप 2 घंटे से तालाब में क्यों तैर रहे थे। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, आप 2 घंटे से तालाब में क्यों नहीं तैर रहे थे, या फिर आप 2 घंटे से तालाब में क्यों नहीं तैरते थे। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमको हेड में क्या लगाना पड़ेगा, केवल नॉट लगाना पड़ेगा, ये हमने लगा दिया नॉट। अब क्या बन गया, व्हाई हैडंट यू बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड फॉर 2 आवर्स। देखिए कितना आसान है इंट्रागेटिव से इंट्रागेटिव नेगेटिव में जाना, अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाना, केवल नॉट लगाना पड़ता है। अफर्मेटिव के रूल में नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा,
इंट्रागेटिव के रूल में नॉट लगाएंगे तो इंट्रागेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि पास्ट टेंस का सबसे आखिरी भाग है उसको भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर टेंस को। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।